दोस्तों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों आइडिया का जो एक ऐप है माय आइडिया ऐप, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों जो आइडिया का ऐप है माय आइडिया, वो अगर आप आइडिया के कस्टमर हैं तो आपके लिए वो बहुत ही यूज़फुल ऐप होगा। तो दोस्तों उसके बारे में कि वो आइडिया ऐप में क्या क्या फीचर्स है और आप किस तरह से आप अपना उसमें नंबर रजिस्टर कर सकते हैं और उसके जरिए आपकी सारी स्कीम आपके मोबाइल नंबर के लिए क्या क्या है और भी कई तरह के बहुत ही अच्छे फीचर उसमें अवेलेबल है, उसको मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों उसके लिए पूरा वीडियो देखते रहिए। तो सबसे पहले क्या है, आपको वो माई आइडिया ऐप डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर में चले जाइए। जी हाँ, यहाँ फर्स्ट में आपको दिख रहा है माई आइडिया रिचार्ज एंड पेमेंट, तो उसको दोस्तों हम डाउनलोड कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। जी हाँ, जैसे ही ओपन होगा तो मैंने तो यहाँ पे रजिस्टर कर रखा है, तो आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको एक रजिस्टर करना होगा। तो उसके लिए आपको मोबाइल नंबर डालना होगा और जैसे रजिस्टर पर आप क्लिक करोगे तो आपका जो भी आइडिया का मोबाइल नंबर होगा उसके ऊपर एक ओटीपी पिन आएगा और आपको वहां पे डालना होगा और डालने के बाद आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर हो जाएगा और शो कर देगा। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। ऊपर मेरा नाम मोबाइल नंबर है और नीचे मोर मैनेज कनेक्शन है, उसके अंदर अगर आपके फैमिली फ्रेंड का किसी भी नंबर आप डाल सकते हैं, उसकी भी कोई अगर स्कीम होगी उसकी सारे जो सारे रिचार्ज है, कॉलिंग डिटेल है, उसके अगर कोई कंप्लेंट की है, सारी बातें यहाँ पे शो करेगी। तो हम यहाँ पे पहले होम पेज पे है, तो यहाँ नीचे आप देख लीजिए डेटा रिमेनिंग है और उसके बाजू में बैलेंस रिमेनिंग है। मेरा अभी जो बैलेंस है आइडिया का जो है 0 रुपया है, तो यहाँ पे वो शो कर रहा है 0.01। और मेरा जो डेली डेटा जो है वो भी यहाँ पे शो कर रहा है कि 723 MB अभी रिमेनिंग है। और होम पेज के और बगल में आप देखेंगे तो एक शॉप का ऑप्शन है, उस पर चले जाते हैं। तो यहाँ पे एंड रिचार्ज ऑफर फॉर यू सब्सक्रिप्शन डायलॉटॉन शेयर एवरीथिंग एंड गेट आइडिया है। तो यहाँ पे रिचार्ज एंड पे एंड रिचार्ज में आप जाके आप अपना नंबर का रिचार्ज भी यहां से ऑनलाइन आप अपने बैंक से पे करके आप यहां से भी रिचार्ज कर सकते हैं। ऑफ़र फॉर यू में आप जाएंगे तो आपके साथ आपके मोबाइल नंबर की सारी ऑफ़र्स होगी, उसकी डिटेल आपको यहां पे दी जाएगी। नीचे है डायलॉटॉन, यहां से डायलॉटॉन भी आप चूज़ कर सकते हैं। शेयर एवरीथिंग, शेयर एवरीथिंग में क्या है कि आप अगर बेनिफिशियर उसमें जाएंगे तो यहां पे मैं देख लीजिए उसमें आप 5 बेनिफिशियर ऐड कर सकते हैं और उसको अगर आप बैलेंस उसको देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। उसके लिए आपको पहले अपना नंबर को के अंदर बैलेंस करवाना होता है, उसके बाद आप उसको बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। गेट आइडिया में क्या है कि आप प्रीपेड नंबर, पोस्टपेड नंबर, MNP नंबर कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, नंबर नया नंबर लेना चाहते हैं, तो उसके ज़रिए आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट आइडिया की ऐप पे आप चले आइडिया की वेबसाइट है उस पर चले जाएंगे और आप बाय कर सकते हैं। और मोस्ट यूज़फुल जो भी जो है वो है उसके बाद शॉप के बाजू में है वो अकाउंट। जी हाँ, यहाँ पे अकाउंट में मेरा नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो मैंने डाला है वो भी शो कर रहा है। मैं यहाँ पे मेरा फ़ोटो भी अपलोड कर सकता हूँ और नीचे की आप देखेंगे तो अकाउंट डिटेल है। मेरा अकाउंट तो पहले देखा आपने 00 है और रिचार्ज हिस्ट्री है, कॉल हिस्ट्री है और रिक्वेस्ट भी है और भी नीचे सर्विसेज है, STD कॉलिंग, नेशनल रोमिंग जो कि अभी मेरे नंबर के ऊपर अवेलेबल नहीं है, कॉल कॉन्फ्रेंस जो ऑन है ISD कॉल ऑन है और इंटरनेशनल कॉलिंग जो अनअवेलेबल है। और यहाँ अकाउंट डिटेल में देखे तो रिचार्ज हिस्ट्री, मैंने लास्ट जो भी कितना भी रिचार्ज करवाया होगा, शायद कोई कोई नंबर पे 1 महीने की 2 महीने की आती है, मेरे फ़ोन पे देखते हैं कि कितने लास्ट मेरे रिचार्ज आते हैं। जी हाँ, ये अगस्त है, जुलाई का है, जून का है, जो मैंने लास्ट 5 रिचार्ज करवाया है उसकी डिटेल यहाँ पे दी गई है।
और उसके नीचे है कि कॉल हिस्ट्री। दोस्तों कॉल हिस्ट्री मैं ओपन करने वाला नहीं हूँ। अगर आप अपने मोबाइल को रजिस्टर करते हैं तो कॉल हिस्ट्री में आप क्लिक करेंगे तो आपने लास्ट किन किन लोगों से आपने बात की है, कितना पैसा आपका कटा है, कितना सेकंड कितने मिनट तक आपने बात की है, वो सब यहाँ पे शो करेगा। और नीचे दिया गया है रिक्वेस्ट। जी हाँ, जैसे आप रिक्वेस्ट पे चले जाएंगे तो आपने अगर आइडिया कंपनी को कोई कंप्लेंट की है, कोई रिक्वेस्ट की हो तो उसका स्टेटस यहाँ पे बताएगा। तो यहाँ देखिए योर रिक्वेस्ट एंड कंप्लेंट। अगर न्यू करना चाहते तो यहाँ से आप न्यू रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। नीचे देख लीजिए जो कि हरा रंग का जो राइट का मार्क है वो कंप्लीटेड है मेरा सारे रिक्वेस्टेड, और जो आपको वॉच की तरह इन प्रोग्रेस बता देगा और नॉट प्रोसेस होगा तो ये रेड का आइकॉन आपको दिखा देगा। तो यहाँ पे मेरे सारे जो मैंने रिक्वेस्ट की थी 4G सिम अपग्रेड के लिए की थी, और यहाँ पे कवरेज के लिए मैंने कंप्लेन की थी, तो वो भी यहाँ पे सॉल्व हो गई है और यहाँ पे राइट टिक मार्क दिया गया है। तो बैक चले जाते हैं और इस तरह का, और इसके बाजू में है आई ऐप्स। तो यहाँ पे आइडिया का ऐप्स है, अगर म्यूजिक सुनना चाहते हैं, मूवी देखना चाहते हैं, गेम खेलना चाहते हैं। और आइडिया मनी का भी ऐप है, आइडिया मनी का मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा है, अगर वो भी आप उसके आइडिया मनी को भी आप कैसे यूज़ करना चाहते हैं वो भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे रखी है। आप वहाँ जाके आइडिया मनी से आप किस किस तरह की आप यूज़ करते कर सकते हैं, रिचार्ज कैसे करते हैं, और भी सारे कई फैसिलिटी उसमें है। और उसके बाजू में है मोर, तो आइडिया वॉल है, लॉकेट आइडिया स्टोरेज है, शेयर योर फीडबैक, आपका फीडबैक भी देख सकता है, और नीचे और कॉन्टैक्ट है, टर्म्स ऑफ यूज़ भी है, और अगर लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो वो भी करना चाहते हैं, और लास्ट में है लॉग आउट, आप लॉग आउट कर भी सकते हैं और होम पे चले जाते हैं। और मैनेज कनेक्शन में क्या है दोस्तों, आप अपने फैमिली फ्रेंड किसी का भी नंबर उसमें डाल दीजिए तो आपके मैनेज आपके कनेक्शन में आ जाएगा, और उसकी जो रिचार्ज ऑफर होगी वो आपके सामने शो करेगी, उसके अनुसार आप रिचार्ज भी करवा सकते हैं, उसकी कॉलिंग डिटेल, उसने कौन सा रिचार्ज करवाया है, और उसका जो नंबर आप डालोगे तो वो कौन से नेम पे है, अगर आपने अपना डॉक्यूमेंट दिया है तो आपके नाम पे है कि दूसरे कोई किसी और के पर्सन के नेम पे है, वो भी आपका चेक हो जाएगा। तो दोस्तों ये है आइडिया का ऐप, माई आइडिया ऐप, जिसके ज़रिए आप बहुत ही अच्छा ऐप है, जिसके जरिए आप कई सारे यहाँ पे फीचर्स दिए हैं वो आप चेक कर सकते हैं। माय ऑफर यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो दोस्तों मेरा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब